नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले बात सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कर लेते हैं। दिल्ली के दौरे पर कल वो पहुंचने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी पहुंचेंगे, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी पहुंचेंगे। सिर्फ कैबिनेट विस्तार को लेकर बातचीत नहीं होनी है, बल्कि बड़े चेहरों को कौन सी जिम्मेदारी दी जानी है इस पर भी बातचीत होगी। कैबिनेट विस्तार को लेकर तो चली जानकारी है ही कि कौन कौन से प्रमुख चेहरों को शामिल किया जाना है। खबरें इस प्रकार की भी चल रही हैं कि अनुभव के साथ साथ नए चेहरों को भी इंपॉर्टेंस दी जाएगी, मंत्रिमंडल में जगह उन्हें मिल सकती है, दिग्गज नेताओं की भूमिका पर। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा होना जरूरी, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश में जिम्मेदारी किस प्रकार की संभालेंगे, कैसे संभालेंगे, क्या कैबिनेट में जगह मिलेगी, तो ये तमाम सवाल हैं जो जुड़े हुए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, विधायक गोपाल भार्गव, विधायक राकेश सिंह, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, इन तमाम नामों को लेकर एक साथ चर्चा दिल्ली में की जानी है। तो ना सिर्फ कैबिनेट विस्तार पर नजर रहेगी, ये देखने वाली बात कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने इन प्रमुख चेहरों को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है, केंद्रीय स्तर पर जो जिम्मेदारी संभाल रहे थे उन प्रमुख नेताओं को हटाया गया पदों से, तो अब मध्य प्रदेश में कौन सी जिम्मेदारी संभालने वाले, क्या कैबिनेट में जगह दी जाएगी या संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है। कई सारी संभावनाएं जुड़ी होती हैं, लेकिन आपको बताएं कि डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंच रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री, वो भी हो सकता है कि अपनी राय रखें कैबिनेट विस्तार को लेकर, उनकी टीम में वो किसे शामिल करना चाहते हैं, हो सकता है उनकी तरफ से भी बात स्पष्ट की जाए। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं इस बार, और कैबिनेट विस्तार को लेकर हो सकता है कि संगठन स्तर पर अपनी तरफ से राय पेश करें। हितानंद शर्मा की भी मौजूदगी होगी, दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात, मंत्रिमंडल विस्तार पर फैसला। इससे पहले खबर यह भी थी कि एक सूची पहुंची है दिल्ली, इसमें कई लोगों के नाम शामिल हैं, कई नेताओं के नाम शामिल हैं। अगर फेरबदल की कोई स्थिति होती है तो हो सकता है कि अपनी तरफ से राय प्रकट करें, ये तमाम बड़े चेहरे। और दूसरी तरफ पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, बहुत दिग्गज, कौन सी जिम्मेदारी संभालेंगे, किस प्रकार का प्रभार दिया जाएगा, सत्ता में रहेंगे या संगठन में, ये एक सवाल है। कल दिल्ली दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, और जैसे ही वो वापस आते हैं उनसे सवाल भी किया जा सकता है कि आखिर क्या कुछ चर्चा हुई, हो सकता है कि प्रत्यक्ष तौर पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। लेकिन आप ये समझिए कि हलचल अगर दिल्ली तक पहुंची है तो कैबिनेट विस्तार के नामों को लेकर भी जल्द ही मुहर लग जाएगी और जल्द ही मध्य प्रदेश में ऐलान भी होगा। 19 दिसंबर तक का भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि राज्यपाल ही आउट ऑफ स्टेट रहने वाले हैं, और राज्यपाल जैसे ही पहुंचते हैं हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने निर्णय के साथ पूरी तरह से तैयार होंगे। सीधे भोपाल आपको लिए चलेंगे, क्योंकि शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, महज कैबिनेट विस्तार की चर्चा के लिए पहुंच रहे हैं मोहन यादव दिल्ली, या कोई और बात भी है? देखिए, दो प्रमुख बिंदु हैं। एक तो मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की नई कैबिनेट में कौन कौन लोग शामिल होंगे, ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा विषय है कि जो तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं, जो कभी सांसद और प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनका अब क्या होगा, क्योंकि देखिए वो सारे लोग अपने सांसद के पद से इस्तीफा देकर अब मध्य प्रदेश में विधायक बन चुके हैं, और विधायक के तौर पर उनकी भूमिका आने वाले समय में क्या रहने वाली है, क्या वह नई सरकार की कैबिनेट में जगह पाएंगे या फिर संगठन की कोई बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे, ये दो जो है वो प्रमुख विषय है। देखिए, मध्य प्रदेश में 3 तारीख को मतगणना हुई थी और उसके बाद जो है बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था, और उसके 10 दिन बाद 13 तारीख को डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। लेकिन अब 4-5 दिन का समय बीत चुका है, मध्य प्रदेश सरकार में कौन कौन कैबिनेट में होंगे इस बात का फैसला अब तक नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली दरबार में अंतिम मोहर जो है वो लगेगी कि मध्य प्रदेश के नई कैबिनेट में किस किस को जगह मिल रही है। देखिए, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कुछ लोग ये बात कह रहे हैं गुजरात फॉर्मूले के तौर पर नई कैबिनेट का गठन हो सकता है, नए लोगों को जो है वो तरजीह इस मंत्रिमंडल में दी जा सकती है। दूसरी तरफ बात ये भी निकल कर सामने आ रही है कि कुछ सीनियर नेताओं को और कुछ नए युवा नेताओं को, यानी जो मिला जुला मंत्रिमंडल है वो बनना चाहिए, लेकिन अंतिम फैसला जो है वो दिल्ली दरबार में ही लिया जाएगा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री के नाम को लेकर मध्य प्रदेश में चौंकाने का काम जो है वो आला कमान ने किया, तो ऐसे में अब कैबिनेट में कौन कौन लोग जगह पाएंगे इसका फैसला भी जो है वो आला कमान ही करेगा, और जो सीनियर लीडर्स है
चाहे वह प्रहलाद पटेल हो, राकेश सिंह हो, कैलाश विजयवर्गीय हो और या फिर नरोत्तम मिश्रा, चूंकि एक बड़ा चेहरा है और मध्य प्रदेश में हालांकि वो चुनाव हार गए लेकिन उनकी भूमिका अब क्या होने वाली है सबको लेकर चर्चा जो है वो कल दिल्ली में हो सकती है। निश्चित ही और तमाम संभावनाओं से बहुत दूर भी जा चुकी है पार्टी, क्योंकि संभावित तौर पर जो नाम रखे जाते हैं वो निश्चित तौर पर परिवर्तित होकर चौंकाते भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र फिलहाल, लेकिन बने रहेगा आप हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर भी एक नई जानकारी है।